वेलकम ड्रीम डे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेवन्थ चैप्टर फाइव में क्या दिया, पावर्स दिए हैं। ठीक है, तो देखिए कोई नंबर होता है उसकी पावर क्या होता है, बेस क्या होता है। जैसे नंबर लिखा, क्या लिखा आपका, 6 की पावर 2 लिखा है। तो आपका देखिए ये आपका 2 क्या होता है, पावर होता है, पावर इसको बोलते अपन लोग। और ये क्या होता है, 6 क्या होता है आपका, बेस होता है। तो आपका क्या होता है, ये बेस होता है। तो आप लोगों को पावर और बेस करना है। तो पावर देखिए 6 की पावर 2 का मीन्स क्या होता है आपका, 6 × 6 होता है, यानी नंबर के बेस की जितनी पावर होगी उतनी बार क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आप लोगों को पावर और बेस के बारे में इसमें जानना है। तो आप लोगों को पावर और बेस के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो आपके 5.1 में क्वेश्चन दिया है। देखिए 5.1 में क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग्स इन द पावर। इनको क्या करना है आपको, पावर में लिखना है। जैसे ए नंबर लिखा, देखिए 5/8 × 5/8 × 5/8 × 5/8। देखिए आप लोगों को जो लिखा है, तो क्या लिखा है, ए नंबर में लिखा आपका 5/8 × 5/8 × 5/8। देखिए 5 कितने टाइम्स लिखा है, 4 टाइम्स लिखा, मीन्स 5 और 8 कितना, 1, 2, 3, 4 टाइम्स लिखता है। 8 मीन्स इनकी दोनों की होल पावर 4 लगा देना है। मीन्स ये देखिए 4 टाइम्स लिखे तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह आपका देखिए जैसे लिखा है माइनस लिखा है, तो आपको माइनस भी लिख देना है। −7/2 × −7/2 × −7/2। तो आप लोगों को क्या करना है, माइनस साइन को एज इट इज रहने देना, −7/2 की पावर क्या हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसी तरह आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, यानी जो भी जितनी बार भी लिखा है उसकी पावर लिख देना आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग्स पावर्स ऑफ द रेशनल नंबर। में इसको हमको इस फॉर्म में करना है। तो ए नंबर आपका इसका क्या दिया आपका, देखिए ए नंबर लिखा आपका 4/7 की पावर क्या लिखा आपका, 2 लिखा। इसका मतलब होता है 4 × 4/7 × 7 होता है। तो मैं 4 की पावर 4 मीन 16/49 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये लिख देना है आंसर में। इस तरह करना है इसका, सभी का आप लोगों को सॉल्व कर देना है क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑफ द रेशनल नंबर इज द पावर के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इनको पावर में के रूप लिखना है। तो आप लोगों को पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा है 8/216 लिखा है। तो फर्स्ट आप लोग क्या करेंगे, 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना, प्राइम, तो 8 के क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 216 का भी करना है। तो आप लोगों को ना बनेगा तो आप लोग क्या कर देंगे, 216 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये 2 से डिवाइड होगा, 1 आएगा, 0, 8 आएगा। ठीक है, 2 से होगा 5 आएगा और 4 आ जाएगा। फिर 2 से होगा तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 2 आएगा, 7 आ जाएगा। फिर 3 से होगा 9 आ जाएगा। फिर किससे होगा, 3 से होगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से 1 आ जाएगा। तो इसके देखिए क्या हो जाएगा, आप बना देंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3। इस तरह का लेना आप लोगों को। फिर आपके देखिए 2 की पावर कितना है आपका, 3 है। और देखिए यहाँ भी आपका 3 है, तो 3×2 = 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 2/3 6 की पावर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इस तरह आप लोग लिख देना है। ये नहीं लिख सकते हैं, आपको ये भी नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं। ये आपका रफ़ वर्क रहेगा पूरा, ये रफ़ वर्क में करना आप लोगों को। तो आप लोगों को ये 8/216 इक्वल क्या कर देना आपका, 2/6 की पावर क्या कर देना, 3 कर देना। तो इस तरह आप लोगों को लिख देना है, आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह आपको पावर के रूप में लिखना है सभी क्वेश्चन को। जैसे देखिए आपका लिखा है 16/25 लिखा, 16 को क्या 4×2 लिख सकते हैं, और 5 को किसकी पावर, 25 को 5×2 लिख सकते हैं। एफ नंबर देखिए इसमें दिया है, एफ नंबर में क्या करना है आप लोगों को, 16 लिखा है / 25 लिखा है, तो 16 क्या लिख सकते हैं आप लोग, 4×2 और 5 को 5×2 इसका लिख सकते हैं, 4/5 की होल पावर 2।
इसी तरह देखिए सी नंबर आपका किया, सी नंबर क्या करना है 64/125, तो इसको पावर लिखना है। तो आप लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, आप लोग 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3, मीन्स आपका क्या लिख सकते हैं आप लोग 4/5 की होल पावर 3, इस तरह लिख देना है आंसर में। तो इस टाइप में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब, यानी 2 - 2/3 एंड क्या द स्क्वायर ऑफ -4/-5। तो आप लोग क्या करना है, -2/3 का क्यूब निकालना है, यानी पावर 3 करना है, क्यूब मीस होता है, और इसकी पावर कितनी करना है, 2 करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। तो -2/3 पावर 3 कर दिए, तो इसका 3 बार टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 4 2 8 आ जाएगा, और 3 की पावर 3 मीन्स आपका 3 3 9 27 आ जाएगा। और फिर आपका क्या करना है, 4/5 पे स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर 16/25 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सिंपलीफाई करना है, मीन्स इसको सरलतम रूप में लिखना, सिंपलीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है -3 की पावर 2 लिखा है, और क्या लिखा है, -5/12 की पावर 2 लिखा है। तो आप लोग क्या करना है, अगर आप लोगों को याद रखना होगा, इवन नंबर अगर पावर में इवन नंबर है और माइनस में नंबर है, 4 जैसे लिखा है इसकी पावर क्या है, 2 लिखा है, या चाहे इवन हो चाहे ऑड नंबर, लेकिन पावर इवन नंबर हो, इसका मतलब क्या होता है, -4/-4 मीन्स आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 16 आ जाएगा, तो ये आपका होगा। तो देखिए यहाँ -3 का पावर 2 करना है, तो क्या हो जाएगा, -3/-3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या 9 कर दिया, और यहाँ 5 की पावर क्या है, -5/12, तो 5 की पावर 2 करेंगे तो 5 5 जो 25, और 12 की पावर 2 मीन्स आपका 144। तो आपका देखिए 9 से आपका ये 16 डिवाइड हो गया, आपका 25/16 आ गया। तो आप लोगों को ये लिख देना आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। इसका डी नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है आपका डी नंबर क्वेश्चन लिखा है 3 की पावर 2 - 2 की पावर 2 लिखा है, और डिवाइड बाई करना है 1/5 की पावर 2। तो आप लोगों को पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट को, आप लोग बताया गया पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 मीन्स 9 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 मीन्स 4 आ जाएगा। ओके, डिवाइड करना किससे करना है आपका, 1/5 मीन्स 1/25 हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करना, देखिए जब डिवाइड ब्रेक होता फ्रैक्शन आप लोग पढ़ें मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 125 आ जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर डी, यानी आपको ऑल क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे 4/3 लिखा तो इसका क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर 3 हो जाएगा रेसिप्रोकल में। जैसे इसका बी नंबर का देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को देखिए इस तरह रेसिप्रोकल लिखना है, 3/4 लिखा मीन्स 3 की पावर 4 और 4, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका पावर वही रहेगी। डी नंबर इस तरह सॉल्व करना आप लोगों को, 1/5 की पावर 9 दिया, डिवाइड बाई 1/5 की पावर 11 दिया है, तो 5 की पावर 9 डिवाइड बाई 5 की पावर 11 हो जाएगा, तो 5 पावर 9 मल्टीप्लाई 1/5 मीन्स 1/5 आएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना, 7 एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, मीन्स आपको क्या करना है, जैसे लिखा आपका क्या लिखा है, ए नंबर दिया आपका 2/3 की पावर 3 होता है, तो मीन्स आपका ये दो ब्रैकेट के अंदर लिखना है 2/3 की पावर 3 हो जाएगा, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 की पावर 3 मीन्स 8/27 इसकी आ जाएगी वैल्यू। अगर निगेटिव कोई नंबर तो उसका पॉजिटिव है, जैसे सी नंबर लिखा आपका क्या लिखा आपका, देखिए सी नंबर लिखा आपका -11/13 की पावर क्या लिखा आपका, 2 लिखा, तो इसको आपको पहले इन दोनों लाइनों के बीच में लिखना है, सी नंबर है आपका, तो आपको ये करना है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका, देखिए 11 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे, और क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे, माइनस के साथ रहेंगे, तो आपके क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 121 आएगा और 169 आ जाएगा दोनों लाइनों के अंदर, तो 121/169 आ जाएगा, इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। तो
तो क्वेश्चन नंबर 7 कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 को आपको इस तरह सॉल्व करना है। इसका क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, 16 का और 14 का। एलसीएम क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा एलसीएम 12। अब फर्स्ट टर्म निकालना है तो आपको ये 9/14 में 8 × 8 कर देना है, मीन्स अब 112 में 14 से करना तो 8 आ जाएगा, और इसका एक इस तरह सॉल्व कर देना आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका रेशनल नंबर आ जाएगा, 10 रेशनल नंबर ये आपके आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों को 5.1 सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।